बैनर लगवाए? अरे बैनर सारे मोहल्ले वालों ने के सहयोग से लगे हैं, किसी एक व्यक्ति का ये नहीं है, ये पीड़ा सबकी है, क्योंकि ये रोड बहुत ख़राब है और काफ़ी दिनों से कहा जा रहा है। विधायक जी वादा भी कर गए थे, पेपर में भी न्यूज़ निकल गई थी कि बेटी के नाम से सड़क बनेगी। मेरी बेटी नेशनल अवार्डी है, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित, तो उसके सम्मान में आए थे विधायक जी और उन्होंने कहा था, लोग पेपर की कटिंग अभी तक रखे हुए हैं, लेकिन शायद विधायक जी के पास नहीं समय रहा या जो भी समस्या हो तो सड़क नहीं बन पाई, लोग गिर भी जाते हैं। अब हम लोग अपने दरवाजे जितना कर सकते हैं उतना करें, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि रोड बन जाए तो ज़्यादा अच्छा रहे निकलने के लिए सबको। पानी जब बरस जाता है तो बहुत दिक्कत होती है, सभी परेशान रहते हैं। समस्या हमारी रोड की ही है, कई बार अवगत कराया गया अधिकारीगणों को, लेकिन आज तक किसी भी अधिकारी या विधायक जी ने आकर के आश्वासन दिया कि एक महीने में रोड बन जाएगी, लेकिन एक साल हो गया अभी तक रोड के लिए कोई भी कार्य नहीं हुआ। हम सभी लोगों ने मिल करके, मोहल्ले वासियों ने कई बार मलबा डलवाया, सब व्यवस्था करवाई, कई लोग हाथ पैर भी टूट चुके हैं यहाँ पर, लेकिन आज तक कोई भी अधिकारी आकर के देखा नहीं है। और हमारी रोड की समस्या का समाधान होगा तभी मोहल्लेवासी वोट डालने के लिए जाएंगे, अन्यथा कोई भी नहीं जाएगा। देख रहे हैं कितनी सब कच्ची सड़क है, बरसात के दिनों में तो निकलना दुर्लभ हो जाता है। यहाँ पर जो गाड़ियाँ निकलती हैं, कई लोगों को तो गाड़ियाँ गिर गई फिसल करके, बेचारों के पैर में चोट आ गई, हाथ में चोट आ गई। समस्या सबसे ज़्यादा यही है रोड की। अब तो सूखी हुई है कुछ रोड, तो कुछ समझ में आ रहा है कि निकलना सही है, बट जब बरसात के दिनों में सबसे ज़्यादा समस्या क्रिएट होती है यहाँ पर। सरकार कहती है हमने रोडें बनवाई हैं, सरकार कहती है रोडें बनवाई हैं, ठीक कहाँ बनवाई? यहाँ पर तो जो बनी है तो हम लोग सामने देख रहे हैं कि रोडें नहीं हैं।